बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम है और हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे थे, तो बहुत ही प्यारा मौसम था। ये असल में कल की क्लिप है, लेकिन कल मैंने फिर वॉइस ओवर नहीं की, तो मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई थी। हम कुंडल डैम गए थे ना, सवाबी में है कुंडल डैम, तो वहाँ की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और वहाँ पे इतना क्लियर वाटर, इतना ज़्यादा क्लियर वाटर के उसमें फिश वगैरह सब कुछ नज़र आ रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये कल की क्लिप है, तो कल बहुत ही प्यारे बादल, हवाएं, बहुत ही अच्छा मौसम था। और इसके साथ ये हुआ है कि जो हीट वेव के दौरान वो गर्मी का ज़ोर था, वो माशाल्लाह काफ़ी कम हो गया है। और उन दिनों ऐसे था ना कि गर्म 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 हवा चलती थी, आजकल हवा फिर भी थोड़ी बेहतर हो गई है। और माशाल्लाह पेशावर जो है सारा हरा भरा है फूलों से और प्लांट्स से। और हम जब अक्सर आते जाते हैं तो पीडीए वाले उनको पानी दे रहे होते हैं। ये मैं जरिए आपके स्कूल से आ रही थी, तो ये जो दीवार थी इस पे ये ड्राइंग बनी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ये BRT का ट्रैक है, BRT की वजह से जो बसेस यहाँ पे मेट्रो बसेस चलती हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी सहूलत हो गई है। और ट्रैफिक का जो ज़ोर था, वो जो बड़ी बड़ी सी बसेस चलती थी पुराने ज़माने की, तो उनका ज़ोर जो है कम हो गया है। और आई थिंक ये छुट्टी का टाइम है, हम सारी आपको फिर पिक करने जा रहे थे। डिफरेंट क्लिप्स हैं, रैंडम क्लिप्स हैं, तो बस ये मैंने इकट्ठी एक साथ की हैं कि आपके साथ शेयर कर लूँगी। और ये जो है ये मैं बना रही हूँ, मैंने आपको बताया था मैंने सोफ़ा कवर बनाए थे, तो उसमें जो छोटे काउचेस हैं मेरे, तो उनके लिए मैंने दो कवर्स बनाने थे। तो बस ये मैंने असल में डिफरेंट चार बेडशीट्स ली थी। मुझे इसके लिए प्लेन कपड़ा चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं मिला, फिर मैंने ये प्रिंटेड बेडशीट्स ले ली। इनका फ़ायदा ये है कि इनका कपड़ा अच्छा है। और ये सोफ़े इसलिए, इस पे बच्चे सारा दिन TV देखते हुए लेटे रहते हैं, तो इसलिए मैंने बेडशीट वाला कपड़ा ले लिया। और फिर ये सिल गए, लेकिन मसला ये हुआ कि सिलाई मशीन ख़राब हो गई। और पता नहीं, अगर किसी को ज़रा पता हो कि इसका क्या हल है, क्या कर सकते हैं, इसको तो अब ले जाएंगे कारीगर मिस्त्री के पास, जो भी इसका ठीक करने वाला है ना। ये जिस हैंडल से ऊपर नीचे करते हैं लेवर से, तो वो ख़राब हो गया है इसका, तो आई होप के ठीक हो जाए, वरना मेरा तो बहुत ही दिल खफा है। और ये मैंने बच्चों के लिए कल शाम को बनाया था पीटा ब्रेड वाला पिज़्ज़ा। और अभी रिसेंटली मुझे ज़ुकाम हुआ था, तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन वो मुंह का टेस्ट कड़वा कड़वा सा है, तो मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो ये कल रात का, हाँ रात की क्लिप है, तो मैंने अपने लिए ब्रेड पे सैंडविच स्प्रेड लगा लिया। और ये गर्मियों की सौगात, आलूचे और खुबानियाँ, मेरी बेटी के फेवरेट, घर में और कोई नहीं खाता, मेरी बेटी को पसंद है, तो मैं स्पेशली उसके लिए लेती हूँ कि उसको पसंद है। और ज़रियाब तो बिल्कुल भी नहीं खाता। और शाम के टाइम हम बाहर गए, तो एक्सक्यूज़ मी, तो पास ही एक फ्रूट वाला था, तो उसके पास चेरी थी। तो चेरी मैंने बॉक्सेस में देखी है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ये खुली चेरी थी, स्पेशली उन्होंने चतराल से मंगवाई थी, तो वो 500 का केजी बता रहे थे, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है घर में, और भी किसी को भी इतनी नहीं पसंद, सिर्फ मिशाल को पसंद है। मैंने कहा मुझे एक पाव दे दो, तो 150 का एक पाव काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो बस मैंने थोड़ी सी ले ली। और ज़रियाब ने तो खाई ही नहीं, मुझे भी नहीं पसंद, तो सिर्फ मिशाल के लिए लेके आई हूँ, थोड़ी सी उसने खा ली और बाकी कहती है कि मम्मा मैं लंच में लेके जाऊँगी। मेरी बच्ची की बड़ी निराली पसंद है, मेरे बेटे को कोई फ्रूट नहीं पसंद, उसको सिर्फ जो है तो एप्पल पसंद है और स्ट्रॉबेरी थोड़ा बहुत खा लेता है।
तो इतनी फ्रेश चेरी है कि बस जी मज़ा आ गया इसको देख के। ओके जी, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।